तो हवा में उड़ती उड़ती ताया ताया खबरों से ये मालूम पड़ा है कि सलार मूवी का टीज़र इसी महीने के लास्ट में आपको देखने को मिल सकता है। मे बी लास्ट वीक या सेकंड लास्ट वीक में ज़रूर देखने को मिल जाएगा। पहले यही टीज़र KGF 2 चैप्टर के लास्ट में दिखने वाला था, पर कोविड की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया। वो मज़ा थोड़ा सा ख़राब हो गया दर्शकों का, जो इसका बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे। तो ये है पैन इंडिया का तीसरा प्रोजेक्ट। पहला प्रोजेक्ट था KGF चैप्टर 1, फिर 2, और ये है पैन इंडिया का तीसरा प्रोजेक्ट सलार। और यहाँ तक कि पैन इंडिया ने ये भी कन्फर्म कर दिया है कि जून के महीने में अपने आने वाले और भी प्रोजेक्ट के बारे में वो रिवील कर देंगे। KGF चैप्टर 2 जिन जिन लोगों ने देखी है वो तो ये बात जानते ही हैं कि इसके क्रेडिट सीन में चैप्टर 3 के हिंट दिए हुए थे। तो ये चीज़ तो काफ़ी हद तक कंफर्म है कि सलार मूवी और चैप्टर 3 का कनेक्शन हो सकता है, या तो ये भी हो सकता है कि चैप्टर 3 में ही सलार मूवी को कनेक्ट कर दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि शायद सलार ही चैप्टर 3 है, और ये चीज़ की संभावनाएं और भी ज़्यादा तब बढ़ जाती हैं क्योंकि ये एक गैंगस्टर यूनिवर्स है। और KGF चैप्टर 3 के हमें लास्ट में बताया ही गया था कि यश इज़ डेड, ये भी अभी कंफर्म नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि सलार मूवी ही KGF चैप्टर 3 हो, क्योंकि रॉकी ने अपने साम्राज्य को विदेश में भी काफ़ी फैला रखा था। तो उसने अकेले ये सब कैसे किया, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि पूरी मूवी में जहाँ तक हमको दिखाया गया वो तो वहीं पर था, इंडिया में ही। तो बाहर उसका कोई ना कोई सोर्स तो रहा होगा, तो हो सकता है वो प्रभास का ही करेक्टर हो। तो मे भी इसके कुछ सीन उसकी डेथ से पहले और कुछ सीन उसकी डेथ के बाद के हों, जहां वो उसके साम्राज्य को कंटिन्यू करते हुए नज़र आएगा, उसकी जो लेगेसी है उसको कंटिन्यू वही करता नज़र आएगा सलार का करेक्टर। और प्रशांत नील की माने तो उन्होंने इसके कई सीन को रीशूट किया है, खासकर क्लाइमैक्स को। KGF चैप्टर 2 की सफलता को देखते हुए वो इसके क्लाइमैक्स को और भी हाई स्केल पर शूट करना चाहते हैं, ताकि दर्शकों को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे और भी ज़्यादा वो इन्जॉय कर सके इस मूवी को KGF चैप्टर 2 की तरह। और अगर ये KGF चैप्टर 2 के क्लाइमैक्स सीन से पहले की स्टोरी भी सलार मूवी में दिखाई जाएगी, तो ये बात तो कन्फर्म ही है कि इसके कई करेक्टर हैं जो एज ए कैमियो सलार मूवी में दिख सकते हैं। देखो यार, इस मूवी का काफ़ी देर से इंतज़ार इसलिए किया जा रहा है, इसके कई रीज़न हैं। एक तो है इसमें प्रभास है, और दूसरा है पैन इंडिया, और पैन इंडिया का क्रेज़ इसलिए ज़्यादा हो गया क्योंकि KGF जैसी ब्रांड मूवी उसने बना दी है। और प्रभास का माने तो बाहुबली के बाद दोनों फिल्में उसकी कुछ खास नहीं कर पाई, वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाई जो बाहुबली ने छोड़ दिया था। तो सलार मूवी से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें बढ़ जाती हैं लोगों की। और अगर सीधी सी बात बताऊँ तो फैंस को ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ रहा कि इसकी राधे श्याम और साहू मूवी का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब ये सलार मूवी आए तो फैंस एक बार फिर बाहुबली को थिएटर में देखने जरूर जाएंगे, भले ही वो अलग कैरेक्टर में होगा, पर अभी भी वो उनके लिए एक बाहुबली की तरह ही है। तो देखते हैं कि प्रभास इस बार क्या कर पाते हैं, क्या इम्पैक्ट छोड़ पाते हैं अपनी एक्टिंग से, अपने कैरेक्टर से, या फिर साहू और राधे श्याम की तरह फिर एक बार डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी। तो आप इसका ट्रेलर टीज़र के लिए कितने एक्साइटेड हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। कि मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय।